वेलकम ऑन माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद दिव्या। जो आज हम बचे हुए चावलों से चाइनीज तड़के के स्टाइल में जो है डिश बनाएंगे वो हम आपको दिखा देते हैं। उसके लिए मैंने लिया है शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज, इस तरह से कट किए हैं मैंने। पनीर लिया है जिसमें से मैं आधा पनीर फ्राई करूँगी और आधा इसी तरह से कच्चा ही यूज़ करूँगी। तो मैंने तेल चला दिया है कढ़ाई में, तेल गर्म होने देंगे और बटर भी यूज़ करेंगे हम इसमें। तेल गर्म हो रहा है उसके बाद हम इसमें जो है पहले पनीर कर लेंगे अपना। या मैंने आधे पनीर को फ्राई किया और आधा ऐसे रखा है, आप चाहे तो सारे को फ्राई कर सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पनीर को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। आप देख रहे हो कि मैं इसे फ्राई कर रही हूँ, अब ये फ्राई हो चुका है तो मैं इसे अलग से प्लेट में निकाल लेती हूँ। ज़्यादा नहीं भूनेंगे कि काले हो जाए, बस ब्राउन होने तक भूनना है। उसके बाद हम इसमें जो है शिमला मिर्च और प्याज डाल देंगे। हमने यहाँ पे शिमला मिर्च और प्याज को जो है ऐड कर दिया है और अब इसे अच्छे से चलाएंगे। उसके बाद हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो 1 टीस्पून ऐड किया है, आप चाहे तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से चलाना है मसाले को, क्योंकि ये लग सकता है नीचे कढ़ाई पर, तो इसको अच्छे से ही चलाएं ताकि मसाला जो है नीचे ना लगे। अच्छे से कढ़ाई में मसाले को चलाते रहिए अच्छे से। 2-3 मिनट तक इसे भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। उसके बाद हम इसमें जो है टमाटो ऐड कर देंगे। अपने टमाटर भूनने का रखे रखे हम लोग ऐड कर देंगे। सोया सॉस भी इसमें मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया है, सिर्फ 1 स्पून ऐड किया है सोया सॉस। फिर मैंने जो है फ्राई किए हुए पनीर भी ऐड कर दिया और इसमें अच्छी तरह से मिलाएंगे। फिर मैंने बचे हुए जो चावल थे फीके चावल वो ऐड कर दिए और अच्छे से मिला लिया है। तो अब ये खाने के लिए तैयार है यम्मी और टेस्टी चाउमीन स्टाइल में, चाइनीज स्टाइल में चावल। अगर आपको हमारी वीडियो लाइक आता है और पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।